अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चिकन चंगेजी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर डिश है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा। हम चिकन चंगेजी बनाएंगे आज। यहाँ मैंने 1/4 किलो चिकन लिया है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 छोटा चम्मच नमक और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 100 ग्राम दही लिया है मैंने, और 1 छोटे नींबू का रस है। मिक्स करके इसे हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने रखना है। यहाँ 2 चम्मच ऑयल में हमें प्याज ऐड कर लेनी है। ये 3 मीडियम साइज की प्याज है, रफली कट कर लिया है मैंने। इसमें हम काजू भी ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 16-17 काजू लिया है मैंने। काजू भी फ्राई कर लेंगे हम प्याज के साथ। देखिए बस ऐसा ही चाहिए हमें प्याज, ज़्यादा डार्क कलर में नहीं हमें फ्राई करना है। तो हम अब इसे निकाल लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए बहुत ही अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लेना है। एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम इसका। यहाँ हमें एक एक पीस करके रखना है पैन में, पूरे मसाले के साथ नहीं डाल लेना है। एक एक पीस उठा के हम फ्राई कर लेंगे। बाकी चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम अपनी बची हुई, और 50% तक चिकन गला लेना है हमें। यहाँ ऑयल गरम हो चुका है हमारा, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच लिया है मैंने। दो तीन मिनट भून लेंगे हम इसे। यहाँ अदरक लहसुन भून चुका है हमारा, अब इसमें मैं टमाटो प्योरी डालूंगी। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर में डालकर पीस लिया है। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब इसमें हम काजू और प्याज का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी बहुत अच्छी तरह से भूनना है हमें। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। यहाँ देखिए थोड़ा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब जो ये हमारा मैरिनेट किया हुआ मसाला बचा था चिकन से, ये भी मैं ऐड कर लूँगी इसमें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लूँगी मैं। तो यहाँ मैंने नमक लिया है 1 छोटा चम्मच, और ये गरम मसाला है 1 चम्मच, 3 चम्मच धनिया पाउडर है, और 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर है। इन सारी चीज़ों को भी हम एक साथ भून लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। ये 2 से 3 बड़े चम्मच दही है। गैस की फ्लेम को बहुत ही स्लो रखकर हमें दही ऐड करना है, ताकि दही फटे नहीं हमारा। देखिए यहाँ दही डालकर भी भून चुकी हूँ मैं। अब इसमें मैं ग्रेवी करने के लिए मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हो, लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब दूध ऐड किया है। अब इसमें हम अपना फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड कर लेंगे।
और थोड़ा सा चिकन हमारे यहाँ पकना बाकी है। 10 से 12 मिनट हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। रोस्ट करके मैंने इसे थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लिया है। और ये मलाई है तो ये घर की मलाई है जो दूध के ऊपर जमती है, इसका यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम 2-5 मिनट के लिए और कवर करके कुक करेंगे ताकि कसूरी मेथी और मलाई का फ्लेवर हमारी चिकन में अच्छे से आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है चिकन चंगेजी, और कंसिस्टेंसी भी हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को, ये बहुत ही अच्छी बनी थी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।